जिला कुल्लू में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, तो वहीं बारिश के कारण नदी नाले भी उफान पर है। सोमवार सुबह के समय पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला के साथ लगते सेरी नाला में बादल फट गया, जिसके चलते व्यास नदी में बाढ़ आ गई है। वहीं व्यास नदी में बाढ़ आने के चलते और पलचान व मनाली के बीच नदी किनारे बने कुछ खोखो व रेस्तरा को भी नुकसान हुआ है। वहीं बादल फटने के बाद व्यास नदी में पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने भुंतर तक हाई अलर्ट कर दिया है। बाढ़ की आवाज ने गहरी नींद में सोए लोगों को जगा दिया। मनाली के साथ लगते चढ़ियारी में निर्माणाधीन रेस्तरा भी बाढ़ की चपेट में आ गया। कुल्लू प्रशासन ने भी सभी लोगों से आग्रह किया कि मौसम विभाग के द्वारा जिला कुल्लू में मौसम खराब बताया गया है, जिसके चलते लोग नदी नालों का रुख न करें। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि सेरी नाला में बाढ़ आने की सूचना मिली है, जिसके चलते सोलंग गांव की और जाने वाला अस्थायी पुल एक बार फिर से इसकी चपेट में आ गया है। वहीं नदी किनारे बने कुछ खोखों में भी पानी घुसने की सूचना मिली है। जिला प्रशासन की टीम को भी मौके की ओर रवाना कर दिया गया है।